नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन से देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है और सिक्स्थ क्वेश्चन से ये आपका क्या है, होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं आपके रिएक्शन है, ये रिएक्शन में सारी की सारी रिएक्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में वर्ड रूट में इक्वेशन दे रखी है आपको रिएक्शन, और वही रिएक्शन आपको सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई है, सेकंड चैप्टर में पढ़ाई है, ठीक है। सारी की सारी रिएक्शन आपको करवाए, एक बार करके देखना, नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर आपके पास फोन नंबर है, फोन नंबर से पूछ सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल ग्लूकोज है, उसको हम वो एसिडिक, वो आपका करंट है, वो करंट प्रोड्यूस नहीं करता, बाकी जितने भी एसिड करंट प्रोड्यूस करते हैं एक्टिविटीज में, वो भी एक्टिविटी आपको करवा रखी है, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको करना है, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, तुरंत आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाई डज नॉट डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर द रेन वाटर डस, ठीक है। डिस्टिल वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्वेश्चन ये है क्यों, क्योंकि देखो डिस्टिल वाटर होता है ना, वो डिस्टिल वाटर एक आपका डिस्टिल वाटर जो होता है वो आपका प्योर वाटर होता है, वो आपका क्या होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें कोई एसिड वैसिड कोई प्रेजेंट नहीं होता, बट डिस्टिल वाटर बिल्कुल प्योर वाटर होता है। और ये डिस्टिल वाटर होता है ये हमेशा आपको केमिस्ट्री लैब के अंदर ही मिलता है, जो हम पीते हैं उसमें भी एसिड होता है, ठीक है, जो हम पानी पीते हैं, जो हमारा समर्सिबल से जो वाटर आता है उसमें भी एसिड होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता, लेकिन जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको वहां पे डिस्टिल वाटर मिलेगा, वो डिस्टिल वाटर आपका प्योर वाटर होता है, ठीक है। अब उस वाटर में, प्योर वाटर में, ठीक है, डिस्टिल वाटर में, प्योर वाटर में आपका HCl जो एसिड है वो एसिड आपका प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो रेन वाटर है उनमें सब में जो भी मिनरल एसिड होते हैं वो एसिड प्रेजेंट होते हैं, रेन वाटर में आपका एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड मैंने बताया था, जो जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या 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 करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एसिड तो है ही नहीं, इसमें तो डिस्टिल वाटर में तो एसिड है ही नहीं, वो तो प्योर वाटर है, उसमें तो एसिड एब्सेंस ऑफ एसिड होता है, एसिड प्रेजेंट ही नहीं होता, तो एसिड प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए डिस्टिल वाटर है इन द एब्सेंस ऑफ एसिड, ये डिस्टिल वाटर है वो आपका प्योर वाटर, लिखोगे कैसे, डिस्टिल वाटर है वो आपका प्योर वाटर होता है, इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर होते हैं इसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, H2SO4 प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होते हैं, इसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, मिनरल एसिड प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करते हैं, एसिड को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन देखो भाई, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डज नॉट एसिड शो एनी एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ये तो करवाया क्वेश्चन से कि भाई देखो जो एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, जब वाटर नहीं होता, एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंस में जब वाटर नहीं होता तब एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, बताया था आपको, ठीक है, पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है, एग्जांपल जब प्रॉब्लम सोल्व करवाया था उसमें बताया था कि जब भी एसिड है वो एसिड कब बताता है, जब भी एसिड है वो एसिड कब शो करता है एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर शो कब करता है, जब हमेशा आपका जब वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब भी वाटर प्रेजेंट होगा तभी वो एसिड है वो HCl है, जितने भी H2SO जितने भी एसिड है एसिडिक करेक्टर को शो कब करते हैं, जब उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर में कभी भी एसिड शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ये HCl है वो कटायंस और आयंस की फॉर्मेशन, आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर में आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी तो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन,
नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि भाई फाइव सॉल्यूशन है ए बी सी डी ई, एक है आपके पास नाइन्थ क्वेश्चन बोले, नाइन्थ क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई, पांच हो गए, पांच सॉल्यूशन दिए हैं, इनकी पीएच है, पीएच आपको दे रखी है इनकी, एक की दे रखी है फोर, एक की दे रखी है टू, एक की दे रखी है सी की दे रखी है ट्वेल्व और एक की दे रखी है आपकी सेवन, पीएच आपकी दे रखी है फोर टू ट्वेल्व सेवन, ए बी सी डी ई, फोर टू ट्वेल्व सेवन एंड नाइन, ए बी सी डी ई फोर टू ट्वेल्व सेवन एंड नाइन, ठीक है, ये आपको दे रखी है इनकी पीएच दे रखी है। अब आपको दे रखी विच सॉल्यूशन इज, ए ऑप्शन दे रखा है कि न्यूट्रल, न्यूट्रल इनमें से कौन सा है, ठीक है, बी दे रखी है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा है, ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है, डी ऑप्शन दे रखा है वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन कौन सा है, ठीक है, ई ऑप्शन दे रखा है कि वीकली एसिडिक कौन सा है, वीकली एसिडिक कौन सा है, और एफ दे रखा है, एफ दे रखा है जी अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो भी किस में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन में पीएच को लिखना है, ये क्वेश्चन है आपको दे रखा भाई, चार पांच दे रखे हैं, पांच एबीसीडी सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, पीएच क्या दे रखे हैं, फोर टू ट्वेल्व सेवन एंड नाइन, पहले बताया था न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है, अभी मैंने बताया था पीएच की वैल्यू अगर सेवन होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो ए में क्या होगा, यहां पे आंसर लिख रहा हूं भाई, ठीक है, तो ए में पीएच इज इक्वल टू अगर सेवन होगी तो वो क्या होगा आपका न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल ए ए में देखो न्यूट्रल, न्यूट्रल में न्यूट्रल को किससे कनेक्ट करेंगे, ए वाले को किससे कनेक्ट करेंगे, आप डी से कनेक्ट करेंगे, ए को डी से कनेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि पीएच इक्वल टू जब आपकी सेवन होगी तब ये क्या होगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, बी स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मतलब स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन का मतलब क्या बताया था, बेस, अल्कलाइन को ही हम क्या बोलते हैं, बेस, और वो भी स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, तो देखो सेवन से ऊपर होते हैं, जब जिसकी पीएच सेवन से ज्यादा होती है वो क्या माना जाता है, सेवन से ज्यादा होती है जिसकी पीएच, वो क्या आता है बेसिक सॉल्यूशन में आता है, अब ये कह रहा है स्ट्रॉन्गली, अब पीएच से सेवन से ऊपर कौन कौन से है, सेवन से ऊपर एक आपका नाइन है और एक आपका क्या है ट्वेल्व है, तो ये दोनों क्या है बेसिक है, अब इसमें ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, या फिर इसमें ज्यादा अल्कलाइन कौन सा होगा, सेवन से जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं, सेवन से फोर्टीन की तरफ बढ़ते हैं, सेवन से जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं फोर्टीन की तरफ जाते हैं उतना ही बेसिक सॉल्यूशन इंक्रीज करता जाता है, तो नौ और बारह में से स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा होगा, बारह होगा, तो बी है, बी है वो किससे कनेक्ट है आपका, बी है वो किससे कनेक्ट है आपका, जो बी है वो किससे कनेक्ट है आपका, सी से कनेक्ट है, तो स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है वो कितना है आपका, सी, सी मतलब ट्वेल्व से स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कितना होगा आपका ट्वेल्व होगा, सी देखिए अब इसमें क्या है, सी स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कितना होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक का मतलब क्या है, अब देखो स्ट्रॉन्गली एसिडिक का मतलब सेवन से जितने कम होते जाएंगे, जितने भी सेवन से जितने कम होते जाएंगे उतना है, उतना वो जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक होता जाएगा, अब सेवन से नीचे कम कौन कौन से, एक तो दो है और एक चार, इसमें स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, बी वाला होगा, तो इसके इसमें तो सी का ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी, इसको एक काम करो इसको वन टू थ्री कर लो भाई, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, ठीक है, तो ए का जो है वो कितना, डी से,
दू दो का है वो किससे होगा सी से, और तीन का जो कनेक्ट होगा वो किससे होगा आपका बी से। तीन क्या है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, कौन सा होगा बी। ठीक है अब फोर्थ, फोर्थ क्या है वीकली अल्कलाइन। वीकली अल्कलाइन मतलब नौ और बारह में से वीकली अल्कलाइन कौन सा है नाइन वाला, तो फोर्थ है वो किससे कनेक्ट होगा आपका नाइन से, तो वीकली अल्कलाइन है वो क्या होगा आपका नाइन होगा। ठीक है वीकली एसिडिक कौन सा होगा, वीकली एसिडिक फोर्थ और टू में से जितना कम होते जाएंगे उतना जितना कम होता जाएगा सेवन से उतना कौन सा होगा उतना एसिडिक सॉल्यूशन कितना ज्यादा होता जाएगा, तो फोर और टू में से कौन सा वीकली एसिडिक कौन सा होगा फोर्थ, तो फोर्थ को किससे कनेक्ट करेंगे हम, फोर्थ को किससे कनेक्ट करेंगे हम ए से। ठीक है और फोर्थ वीकली एसिड फिफ्थ है वीकली अल्कलाइन फिफ्थ है वो किससे कनेक्ट होगा आपका वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक कौन सा फिफ्थ है वो आपका ए से कनेक्ट होगा। सिक्स्थ है, सिक्स्थ है पीएच को इंक्रीज करना है ऑर्डर में। ठीक है यह एक बार आप नोट कर लेना। ठीक है देखो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है देखा न्यूट्रल कुछ है तो न्यूट्रल पीएच कौन सा होगा सेवन होगा। ठीक है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा होगा सेवन, सेवन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा होता है सेवन से ऊपर होता है। नाइन और ट्वेल्व में स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन सा होगा बारह वाला होगा। ठीक है और स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा दो और चार में स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा दो होगा, क्योंकि जितना सेवन से जितना जितना नंबर कम होता चलेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। फिर उसके बाद उसके बाद वीकली अल्कलाइन पूछा है, वीकली अल्कलाइन मतलब नौ और बारह में से वीकली अल्कलाइन कौन सा होगा आपका नौ होगा। ठीक है क्योंकि सेवन से जितना ऊपर जाते हैं उतना उतना बेसिक सॉल्यूशन उतना इंक्रीज कर जाता है। फिर वीकली एसिडिक कौन सा होगा, वीकली दो और चार में से वीकली एसिडिक कौन सा होगा आपका चार होगा, वो क्या होगा वीकली एसिडिक होगा। ठीक है लास्ट ऑप्शन पता है सिक्स्थ पीएच इंक्रीज बाय ऑर्डर ऑफ एच पॉजिटिव माइनस। नेक्स्ट है पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच पॉजिटिव आयन ऑफ द कंसेंट्रेशन, पीएच को इंक्रीज करना है एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा देखो जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन बढ़ेगा उतनी पीएच क्या करेगी डिक्रीज करेगी। समझना ध्यान से, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा, जितना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा पीएच की वैल्यू उतनी डिक्रीज करेगी। तो हमें क्या करना है कि एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन को पीए क्या दे रखी है, पीएच दे रखी है, तो हमें पीएच से कंपेयर करना है। तो पीएच है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के मुकाबले पीएच की, पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है पीएच को किस में लिखना है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां पे देखो बी का सबसे ज्यादा होगा बी का, क्योंकि सबसे वैल्यू कम किसकी है दो की, दो है वो क्या होगा पीएच, उसकी पीएच है पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन में लिखनी है। तो मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बी, क्योंकि इसकी पीएच सबसे कम है, इसकी पीएच अगर सबसे कम है तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, और जितना स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा तो उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। समझ में आ रही है बात, फिर से बता देता हूं कि पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा, उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो हमें क्या बताना, पीएच इंक्रीजिंग ओवर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, भाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़े उसके हिसाब से हमें पीएच को सेट करना है, उसके हिसाब से पीएच को क्या करना है सेट करना है। ठीक है तो जितनी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसमें जब बढ़ेगी, जिसका पीएच जितना कम होगा, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को कौन बढ़ाएगा, जिसकी पीएच सबसे कम होगी, तो बी की वैल्यू, फिर उसके बाद किसकी आएगी ए की वैल्यू, फिर उसके बाद किसकी आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी भाई डी की वैल्यू, फिर उसके बाद किसकी आएगी ई की वैल्यू, फिर उसके बाद किसकी आएगी सी। ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ध्यान रखना, इसमें पीएच का सारा टॉपिक कवर हो गया, छह के छह पॉइंट में पीएच का सारा ठीक है पोस्टमार्टम हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आए दोबारा मेरे से पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कॉल करके पूछना, व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर लेना, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे आपसे होने चाहिए।